यार गांव की सड़कें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। देखो आप कितना खूबसूरत लगता है, शांत शांत सा, लेकिन यहाँ पर गाड़ी बहुत सारे चलते हैं, पता है आपको। और भाई मेरा घर जिसको भी देखना था ना उसको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने अपने घर में की है, तो मैंने सोचा आप सबको वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। हम गरीब लोग हैं भाई, थोड़ा सा अगर कुछ मॉडिफाई करते हैं ना घर को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये मेरा घर जिसको आपने शायद पहले देखा होगा, अभी बहुत कुछ करना बचा है। यहाँ पर गेट अगर देखो तो इसको देखो, एडी क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, ये टीवी भी खुला छोड़ के भी घूमते रहता है बाहर। घर को देखो, हम लोग के इधर में तो वो टीना लगा के घर बनाया जाता है, आरसीसी टाइप का, इतना कम लोग बनाते हैं वैसे। हम लोग गरीब लोग जो है ना वो थोड़ा कम पैसे वाले लोग इस टाइप से बनाते हैं। और ये देखो मेरी वाइफ ने यहाँ पर फ्लावर्स लगा के रखे, और इसको भी मैं बाद में मॉडिफाई करूँगा तो जब भी पैसा होगा, जैसे कि मैंने बोला ना भाई हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे आते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो उस टाइम पर इसको मैं कुछ अलग करूँगा, उस टाइम आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और देखो टब्स लगा करके रखे हैं, सब मेरी वाइफ ने प्लांट्स खरीद खरीद के लेके आती है। यहाँ पर देखो ये सब मॉडिफाई किया जाएगा, यहाँ पर देखो बहुत सारे प्लांट्स आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर देखो यहाँ पर भी उसने कुछ कुछ प्लांट्स लगा करके रखे हैं और ऊपर भी लगा करके रखे हुए हैं भाई, तो घर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि ये कलर नहीं किया था मैंने, तो अभी इसको कलर कर दिया है थोड़ा, और कुछ अलग सा बनाने की कोशिश की है भाई। मैंने जैसे बोला ना कुछ, ये जो डेस्क है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, और थोड़ी देर पहले ये देखो तामुल वामुल काट के इधर ही गंदगी इधर ही रखा हुआ है, तो ये मेरा ट्यूशन पढ़ाने वाला डेस्क भाई। और उसके बाद ये जो रूम है जहाँ पर आप लोग मेरे दोस्त लोग जो भी आते थे मुझसे मिलने के लिए तो वो यहाँ पर रुकते थे, इसको भी थोड़ा सा बैठते हैं, वेट करते हैं, हम बातें करते हैं, तो वो रूम इसको भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो ये वॉल है, ऊपर सीलिंग को थोड़ा सा कलर किया है, लेकिन ये सीलिंग जो है ना ऊपर का इसको मैं पूरा चेंज करने वाला हूँ, तो वो जैसा कि मैंने बोला समय के साथ जब पैसा आएगा तो मॉडिफिकेशन होता जाएगा और फिर कभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा हुआ। यहाँ पर देखो एक ग्रीन प्लांट रखा हुआ है, ये मेरी वाइफ ने किया है, और इधर एक ग्रीन प्लांट रखा हुआ है, ये विंडो, और ये यहाँ पर हम बैठते हैं बातें करते हैं, और ये है एक बेड यहाँ पर, तो कभी भी रेस्ट करना होता है इधर ही करता हूँ। और ये वॉल पे देखो इस तरह से मेरी वाइफ ने सजा के रखा हुआ है भाई। और इस साइड जो है ये देखो ये रूम, अंदर हम जा रहे हैं तो ये एक कॉरिडोर है भाई, ये कॉरिडोर है, इसको टोटली हमने क्या किया कलर कर दिया है, और अभी थोड़ा सा घर घर टाइप का लग रहा है। पहले आपने वीडियो देखा होगा तो पहले का घर जो है वो घर घर नहीं लगता था, और यहाँ से पीछे आप जा सकते हो लेकिन अंधेरा है क्योंकि इस टाइप मैंने इतना मॉडिफिकेशन किया नहीं है। और यहाँ पर भाई ये हमारा मंदिर है, ये मंदिर है, देखो आप मंदिर है, यहाँ पर हम पूजा करते हैं भाई, तो ये भगवान, मैं यहाँ पर डेली सुबह यहीं पर मैं पूजा करता हूँ भाई, ये मंदिर। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ये रूम है, एक ये कॉरिडोर से एक रूम आप यहाँ जा सकते हो, तो ये जो रूम है ये एडी का रूम है, ये वॉल यहाँ पर टीवी के लिए लगा करके रखा हुआ है, लेकिन टीवी इधर सेट नहीं किया अभी, तो इस टीवी को हम इधर लगा देंगे। तो भाई ये रूम एडी का पूरी तरह से खाली, ये बेड है, यहीं पर लेटता है, बदमाशी यहीं पर करता है और यहीं टीवी देखता रहेगा। अभी भी देखो सेमी टू चल रहा है यहाँ पर, और टीवी को लगाकर फैन को चलाकर खुद वो जो है वो बाहर घूम रहा है भाई, ये बहुत ज़्यादा घटिया काम करता है, समझ रहे हो, ऐसे ही करता है, टीवी ऑन खुद गायब। और ये जो रूम है ये हमारा बेडरूम, ये देखो, और यहाँ पर मैडम जी देखो डांस कर रही है और डांस सिखा रही है इसको, दिखा तेरा दांत ही नहीं है, कहाँ गया दांत, कहाँ है, चूहे ने खा दिया। इसका नाम सुप्रिया, इसका दूसरा नाम भी है कछुआ। हाँ, इसको हम कछुआ बोलते हैं, बहुत स्लो है, स्लो बहुत स्लो है, इसीलिए इसका नाम कछुआ है, स्लो है ना तू। अभी कौन सा भजन में डांस कर रही है बता, करके दिखा मुझे थोड़ा सा, देखते हैं इसका डांस, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बेड है, ये देखो ये मिरर यहाँ पर ऐसे, और इसको सजा करके रखा हुआ है ऐसे, तो ये हमारा रूम है गाइस। थोड़ा अंधेरा है, बुरा मत मानना, देखो डांस कर रही है, देख रहे हो, सीख रही है, यही अभी सीख रही है, सीखा सीखा, इसको बढ़िया बना दे, ठीक है, इसको एकदम सुपर डांस करने वाला बना देना। तो भाई ये था हमारा रूम, और जैसा कि मैंने बोला इस साइड जो है, इस साइड कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, हम लोग गरीब लोग थोड़ा
धीरे धीरे करते हैं ये किचन, क्योंकि ये तोड़ फोड़ होगा गाइस, इसलिए नहीं किया। ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको ये जो किचन है, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था गाइस। तो यहाँ पर तोड़ फोड़ होने वाला है, ये सब कुछ टूटेगा। यहाँ पर एक रूम रहेगा, इस साइड से दरवाजा निकलेगा, उस साइड टॉयलेट वगैरह बनेगा, इसलिए इसको ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया अभी। तो इसमें भी बहुत कुछ करना बाकी है, धीरे धीरे करेंगे। और ये कॉरिडोर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, इससे आप पीछे जा सकते हो। पीछे में क्या है, यहाँ पर एवरीथिंग है। देखो जो मोटर वगैरह का सिस्टम है वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक दरवाज़ा निकलेगा, ये दरवाज़ा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर टॉयलेट एक बनेगा, बाथरूम एक बनेगा, और दरवाज़ा उस साइड से निकलेगा। और अभी के लिए जो टॉयलेट है वो यहाँ पर है, वहाँ पर वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है भाई। और भाई ये जो है, ये रूम अच्छी तरह से क्लियर किया ही नहीं गया है, क्योंकि इसका जो है ना ऊपर का जो टीना, जैसे मैंने बोला हमारा यहाँ आरसीसी छत नहीं होता है तो टीना होता है, तो वो जो टीना है भाई मैं उसको चेंज करूँगा, उसके बाद इसको मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन जो मेरा वॉल है भाई, जिसमें मैं वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, आप देख सकते हो इसको पूरी तरह से ठीक कर दिया गया। और यहाँ पर ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ टाइलिंग वगैरह भी किया जाएगा बाद में। ये देखो ये प्लांट है मेरा, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टर का बैटरी वगैरह रखा हुआ है, और ये बहुत ही खूबसूरत, देखो आप सबको पता है कि ये गिफ्ट मिला था मुझे, और FXB आर्ट जो है, FXB आर्ट इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, ये उदालगुरी के हैं। तो भाई को बहुत बहुत थैंक यू, फिर से याद आ गया FXB आर्ट की। FXB आर्ट थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट यार। और ये मेरा ट्राईपोड आपने देखा ही होगा, ये माइक है, तो ये चेयर है जिस पर मैं बैठता हूँ, और ये वो वॉल है। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, एडीज एम्पायर जो है, ये अगर आप देखोगे तो ये व्लॉग ऑन अजय आर्मी ने मुझे गिफ्ट किया। इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट है यहाँ पर, देखो इस तरह से ये गौतम बुद्धा है, ये बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, विचार भी बुरे मत लेके आके आओ, ये सब चीज़ें हैं। और भाई इसीलिए जो है ना मेरे विचार थोड़े शुद्ध टाइप के होते हैं, ठीक ठाक टाइप के होते हैं, समझ रहे हो। आप लोग पूछते हो ना कि भाई आपका दिल इतना साफ क्यों है, तो इसीलिए, क्योंकि मेरी सोच में भी मैं गलत बातें नहीं लेकर के आता हूँ गाइस, तो यही बात है भाई। और ये है मेरा घर, तो बाहर से अंदर। और ये जो है ना भाई, इसको देखो, मैंने अभी तक इसका जो घास है उसको क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीनरी पसंद है, और सुबह इस पर चलना भी अच्छा लगता है। तो भाई ये है, और मेरी धन्नो, तो आपने देखा ही होगा धन्नो वहाँ पर है, धन्नो का हालत भी ख़राब है। देखो है मेरी धन्नो भाई। और इस साइड तो पूरी तरह से खाली है, पीछे अगर आप देखोगे तो बागान है, जो मैंने पहले भी बताया है, चाय के बागान। और फ्रंट में भी अगर आप देखोगे तो चाय के बागान हमारे यहाँ है भाई। और ऊपर देखो अगर, तो ये एक पेड़ है जिसमें जलपाई लगता है, और भाई इसके लिए ना बच्चे जो है ना बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर देखो आप, नज़र आ जाएगा आपको, पत्ते गिरे होंगे, ठीक है। ये देखो नीचे पत्ते नज़र आ जाएंगे आपको। और ये जो डाल है ये सूखा हुआ है, देखो इसको खींच खींच के तोड़ तोड़ के बच्चों ने, क्योंकि इसमें फ्रूट लगता है जो खट्टा होता है, जिसे हम जलपाई कहते हैं। ऊपर देखो आप, ऊपर आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर नज़र आ जाएगा भाई। तो यही सब है भाई, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये गाँव का माहौल तो आपको पता ही है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस साइड से भी जाओगे तो आप हाईवे निकल सकते हो बेदेती होकर के, और इधर से भी जाओगे तो आप हाईवे निकल सकते हो बोरगांव होकर के। और देखो सनसेट आपको नज़र आ जाएगा भाई, गांव में ना ये बहुत अच्छा लगता है। काम अभी बहुत सारा बचा हुआ है मेरे घर में, और जैसे कि मैंने बोला, हम मिडिल क्लास लोग जब भी कुछ करते हैं थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मुझे भी पर्सनली खुशी हो रही है कि चलो मैंने कुछ तो किया है अपने घर के लिए, अपना जो घर है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए। और हर किसी को इच्छा होती है कि अपने घर को ठीक किया जाए, तो भाई इसमें आपका भी थोड़ा सा हाथ है। लेकिन गाइस हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, आपका भी हाथ है। आपका हाथ कैसे है वो भी मैं बता दूँ आपको, कि देखो भाई YouTube में आपका भी प्यार मुझे मिलता है, तो आपका जो प्यार है ना वो, उसका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जो है इस घर को थोड़ा सा ठीक करने में, थोड़ा सा इंसान के रहने का लायक बनाने में आप सबका भी हाथ है। थैंक यू ऑल। तो गाइज यही था मेरा होम टूर पार्ट टू, मतलब मॉडिफिकेशन, घर का मॉडिफिकेशन जो किया है वो, और या तो बोलूँ कि मैं इसको रिबिल्ट भी बोल सकता हूँ, रिबिल्ट किस तरह से कि इसको मैंने रहने लायक बनाया है। तो गाइज यही दिखाने के लिए वीडियो बनाया था। अभी चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।